नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ है प्रतिमा, समीर, सुमेरा और सुरभि। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पुंछ टेरर अटैक से जुड़ी बहुत अहम जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष के हाथ लगी है। पुंछ टेरर अटैक से जुड़े बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। पुंछ आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ है, इस बात के जानकारियां सामने आ रही हैं, जो तथ्य इकट्ठा हो रहे हैं। शहबाज के ऑर्डर पर पाकिस्तान आर्मी चीफ का ये प्लान था। आतंकी संगठन लश्कर जैश के जरिए इस अटैक को अंजाम दिया गया है। तो जो 5 बड़े खुलासे हुए हैं उसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको बता दें। शहबाज पाकिस्तान आर्मी का प्लान, उसको लेकर जो जानकारी है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। पाकिस्तान में चुनाव टालने के लिए ये अटैक कराया गया, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ लश्कर जैश के जरिए ये टेरर अटैक करवाया गया, कश्मीर में दहशत फैलाने की ये चाल हो सकती है। और जो अहम जानकारी वो ये कि पुंछ में अभी भी 6 से 7 आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार इलाके में चलाया जा रहा है, इसीलिए अलर्ट मोड पर है तमाम सुरक्षा बल। तो देखिए, एक बार फिर इस टेरर अटैक में जैश का नाम सामने आ रहा है। जैश की टेरर कुंडली हम आपके सामने रखते हैं। मौलाना मसूद अजहर इसका सरबराह है। काम इसका क्या है? जैश का चीफ है, जैशे मोहम्मद का चीफ है ये आतंकी। इसके अलावा मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, इसका काम हमलों की प्लानिंग करना है ये बताया जा रहा है। इसके अलावा मुफ्ती असगर खान कश्मीरी, इसका काम है कश्मीर में टेरर फैलाना, कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने की ये ट्रेनिंग देता है, नए नए लोगों को रिक्रूट करता है, यह भी जानकारी है। मौलाना तलहा सैफ, इसका काम है नई भर्तियां करना, कश्मीर में नौजवानों को बरगलाकर रिक्रूटमेंट करना अपने आतंकी संगठन में, ये इसका काम है। खुलासा क्या हुआ है? पुंछ टेरर अटैक से इसका लिंक है, पाकिस्तान के इशारे पर यह हमला हुआ और इसी आतंकी संगठन का सहयोगी संगठन है PAFF, इसके जरिए अटैक को अंजाम दिया गया है। POK में बैठे कमांडर के निर्देश पर यह काम हुआ, पाक आर्मी के एजेंडे पर यह काम हुआ है, अंजाम दिया गया है और हमले का लश्कर कनेक्शन भी सामने आया है। पुंछ आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन साफ नजर आ रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर के पास कई आतंकियों के मौजूद होने की आशंका है। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। पुंछ में हुआ आतंकी हमला क्या सीमा पार की कायराना करतूत है? क्या इसके पीछे लश्कर ए तैयबा और लश्कर जैसे आतंकी संगठन है? NIA और सुरक्षा एजेंसियां इन सवालों का जवाब तलाश रही हैं, लेकिन सेना के वाहन पर जिस तरह से घात लगाकर हमला किया गया, जिस तरह से सैन्य वाहन पर ग्रेनेड अटैक हुआ, उससे सीमा पार से मिली शह को बल मिलता दिख रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पुंछ हमले के पीछे पाकिस्तान और उसकी सरपरस्ती में पल रहे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ हो सकता है। सुरक्षा बल इस इलाके में उनकी एंट्री रूट का पता लगा रहे हैं। आशंका है कि जम्मू में सक्रिय जैश और लश्कर के मददगारों के सपोर्ट से आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पुंछ में बॉर्डर से लगे इलाकों में 6 से 7 आतंकी छिपे हो सकते हैं। आतंकियों के 2 गुटों में होने की बात कही जा रही है। वहीं ये भी आशंका है कि वारदात वाली जगह के पास भी अभी आतंकी मौजूद हो सकते हैं। PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन एजेंसियों को इस हमले के तार लश्कर और जैश टेरर मॉड्यूल से जुड़े मिल रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि पुंछ हमले के बाद NIA एक्शन में है। NIA टीम्स के साथ जम्मू कश्मीर के DGP भी मौके पर पहुंचे। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपके सामने। पुंछ आतंकी हमले के बाद से ही सेना चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश कर रही है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों को राजौरी पुंछ सेक्टर में उसी इलाके के पास 2 ग्रुप के 6 से 7 सक्रिय आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली है। उसके बाद सुरक्षा कर्मी एक्शन में आए, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से सर्च कर रहे हैं। आतंकी घटना की जाँच के लिए NIA भी वहाँ पहुँच गयी है। NIA की टीम के साथ DGP भी मौके पर पहुँचे। NIA की टीम हमले की जाँच करेगी। घटना स्थल पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी मौजूद है। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। भारतीय सेना की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके।
पुंछ आतंकी हमले में आतंकवादियों ने चीन में बनी गोलियों का इस्तेमाल किया है। सेना और एनआईए अब इसी चीनी कनेक्शन को भी खंगालने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चीन में बनी 7.62 एमएम की गोलियों से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। गोलीबारी में इस्तेमाल की गई चीनी गोलियां स्टील की बनी हुई थी। यूक्रेन के ऑपरेशन 30 यानी 30 अप्रैल पर जर्मनी में बैठक है। नेटो समेत 40 से ज्यादा देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक है। यूक्रेन को विध्वंसक हथियार देने को लेकर भी चर्चा हो रही है। यूक्रेन के ऑपरेशन 30 अप्रैल के लिए वेपन देने पर चर्चा हुई है और 30 अप्रैल को यूक्रेन रूस पर यूक्रेन के बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। 14 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। इन 14 महीनों में रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन खबर है कि यूक्रेन 30 अप्रैल से रूस के खिलाफ अब कुछ बड़ा करने वाला है। 30 अप्रैल के हमले को लेकर यूक्रेन ने पूरी तैयारी कर ली है। यूक्रेन के विध्वंसक हमले के प्लान में नाटो समेत 40 देशों का साथ मिल रहा है। नाटो ने रूसी सेना पर हमले के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। यूक्रेन के ऑपरेशन 30 अप्रैल को लेकर जर्मनी में बैठक हुई। नाटो समेत 40 से ज्यादा देशों के रक्षा मंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में सभी देशों ने एक स्वर में यूक्रेन की मदद का समर्थन किया। साथ ही यूक्रेन के ऑपरेशन 30 अप्रैल के लिए विध्वंसक हथियार देने पर चर्चा हुई और सहमति बनी। Ladies and gentlemen, more than a year later, Ukraine is still standing strong, and our support has not wavered. And I'm proud of the progress that we have made together. युद्ध में अमेरिका ने हर संभव मदद की है। हथियार से लेकर एडवांस टैंक दिए, रूसी सेना से लड़ने के लिए सैनिकों की ट्रेनिंग की। अब अमेरिका यूक्रेन के ऑपरेशन 30 अप्रैल को सफल बनाने में जुटा हुआ है। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने तबाही मचाई है। रशियन हमले में यूक्रेनी हथियार तबाह हो गए हैं। यूक्रेन पर टॉस 1A फ्लेम थ्रोअर से अटैक किया गया। रूस यूक्रेन जंग के 14 महीने बाद भी किसी को नहीं पता कि ये विध्वंसक जंग कब तक खत्म होगी। ना यूक्रेन झुकने को तैयार है और ना ही पुतिन पीछे हटने को। ऐसे में जंग खत्म कब होगी कहना मुश्किल है। बैटल ग्राउंड से विध्वंसक वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर घातक प्रहार किया। रशियन हमले में यूक्रेनी हथियार तबाह हो गए। वहीं पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की जंग और विध्वंसक रूप अख्तियार कर चुकी है। अब दिवका में रूसी रॉकेट अटैक का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी ठिकानों पर टॉस 1A फ्लेम थ्रोअर से ये हमला किया गया। रशियन आर्मी की बारूदी बौछार ने यूक्रेनी आर्मी में खलबली मचा दी, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। आने वाले दिनों में ये जंग और खतरनाक रूप ले सकती है। खबर है कि यूक्रेन को चारों तरफ से घेर कर हमले की तैयारी की जा चुकी है। रूस के पैसिफिक फ्लीट की वॉर एक्सरसाइज का वीडियो सामने आया। वॉर ड्रिल के दौरान मॉस्किटो क्रूज मिसाइल को R-298 मिसाइल बोट से दागी गई। युद्ध अभ्यास के दौरान क्रूज मिसाइल का निशाना सटीक रहा। और वहीं वॉर फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर से अटैक किया गया है। रूसी टैंक पर यूक्रेनी एयरबॉर्न ब्रिगेड का हमला। BM-21 ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से रूस पर प्रहार। जंग की शुरुआत में ही ज़ापोरिज़्या पर रूस का कब्जा हो चुका था। ज़ेलेंस्की किसी भी तरह से ज़ापोरिज़्या को दोबारा हासिल करना चाहते थे। ज़ापोरिज़्या से यूक्रेनी हमलों का वीडियो सामने आया है। BM-21 ग्रेट रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन ने घातक प्रहार किया है, जिसमें रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन अपनी जमीन को बचाने के लिए रशियन गोला बारूद तबाह करने में जुटा है। देखिए किस तरह से यूक्रेन ने रशियन टैंक को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। गोला बारूद से लैस ये रशियन टैंक एक बड़े हमले को अंजाम देने जा रहा था। वहीं यूक्रेन की एयरबोर्न ब्रिगेड भी फुल एक्शन में नजर आई। जेवलिन मिसाइल के सटीक निशाने में रूस का T-90 टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन का दावा है कि जंग में रशियन फोर्स हथियारों की कमी से जूझ रही है। हवा से भी यूक्रेनी फोर्स के हमले जारी हैं। वॉर फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर के अटैक का ये वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने बेहद कम ऊंचाई से उड़ान भरते हुए दुश्मन ठिकानों पर हमला किया। हमले में रूस की कई आर्टिलरी तबाह होने का यूक्रेन ने दावा किया है। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन की 59th मोटराइज्ड ब्रिगेड का एक्शन देखने को मिला। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया गया हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी BMP इन्फेंट्री व्हीकल तबाह हो गया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। जंग की शुरुआत से अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव रूस के निशाने पर है। हमले की आशंका में लगभग हर दिन यहाँ पर इसी तरह के सायरन सुनाई देते हैं। कल रात भी रशियन एयर स्ट्राइक की आशंका के चलते सायरन बजते रहे और लोग दहशत में रहे।
वहीं जंग जीतने के लिए पुतिन की सेना पूरी ताकत के साथ जुटी है। चुनचुनकर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को तबाह किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से यूक्रेन के NTPQ-37 काउंटर आर्टिलरी रडार को रशियन फोर्स ने तबाह कर दिया। वीडियो डोनेस का है जहां पर यूक्रेन रशियन कब्जे को कड़ी चुनौती दे रहा है। वहीं पश्चिमी देशों से मिले हाईटेक हथियारों से यूक्रेनी फोर्स भी बैटल ग्राउंड में रूस के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन की 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड ने जबरदस्त प्रहार करते हुए यूक्रेनी हमले में रूसी BMP इन्फेंट्री व्हीकल को तबाह कर दिया। यूक्रेन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले से बचने का रशिया को मौका तक नहीं मिला। धमाके के बाद रूसी BMP इन्फेंट्री व्हीकल आग की लपटों से घिर गया और जलता हुआ इधर उधर भागता हुआ नजर आया। हमले का वीडियो यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बेलग्रोद में रूसी पायलट ने अपने ही शहर पर बॉम्ब बरसा दिए। रूसी Su-34 बॉम्बर से गोला बारूद गिरा। बैटलफील्ड में जाते हुए अपनी ही जमीन पर बॉम्ब गिराए। इस बीच रूस की तरफ से दावा किया गया कि यह हादसा था जो गलती से हुआ। धमाके से पहले सायरन की भी आवाज सुनाई दी। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस के बेलग्रोड में रात में एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके से पहले पूरा इलाका थर्रा उठा। चारों तरफ सायरन की आवाज गूंजने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता चारों तरफ से अफरा तफरी मच गई। हर किसी को लगा कि हमला यूक्रेन की ओर से किया गया है। धमाका इतना जबरदस्त था कि जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ वहां पर 60 फीट गहरा गड्ढा हो गया और धमाके वाली जगह पर मौजूद कई इमारत तबाह हो गए। हालांकि धमाके के कुछ देर बाद रूसी रक्षा मंत्रालय की सफाई भी सामने आई और कहा गया कि हादसा था जो रूसी पायलट की गलती से हुआ था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी Su-34 बॉम्बर यूक्रेनी बैटल जोन में जा रहा था। रूस के बेलग्रोड के ऊपर जेट से गोला बारूद गिरा। जेट पायलट ने अपने ही शहर पर हथियार फायर कर दिया था। घटना वाली जगह पर 60 फीट गहरा गड्ढा बन गया। रूस का दावा है कि एक एक्सीडेंट था, जांच जारी है। रात 10:15 की घटना है। कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई, 2 महिलाएं घायल हो गई हैं, कई गाड़ियां नष्ट हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर गलती से भी हादसा हुआ है तो ये कोई छोटी गलती नहीं थी। मामले की जाँच हो रही है। और इधर बेलग्रोद में हुए धमाके पर कयासों का दौर जारी है। धमाके में यूक्रेनी साजिश की भी आशंका है। बेलग्रोद में पहले यूक्रेन कर चुका है कई हमले। यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल पास है रूस का बेलग्रोद। रूस यूक्रेन जंग जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है उसे देखते हुए बेलग्रोद धमाके के पीछे साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। धमाके के पीछे यूक्रेनी साजिश की भी आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी बेलग्रोद में यूक्रेन कई हमले कर चुका है और ये इलाका यूक्रेनी बॉर्डर के बेहद नजदीक भी है। रूसी पायलट्स को जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उसे देखते हुए इतनी बड़ी गलती की गुंजाइश बेहद कम है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि रशियन लोगों में भी यूक्रेनी हमले को लेकर नाराजगी है। तो क्या जिस धमाके को रशिया गलती से हुआ हादसा बता रहा है वो रूसी पायलट की बगावत का नतीजा था? बेलग्रोड यूक्रेन के बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है। ये शहर लगातार यूक्रेन के टारगेट पर रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन ने यहाँ पर कई हमले किए हैं। धमाके वाली जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पावर स्टेशन था। यूक्रेन जाते हुए जेट अक्सर शहर के ऊपर से गुजरते हैं। वहीं अगर यूक्रेन इस हमले के पीछे नहीं है तो आशंका ये भी है कि रूसी पायलट ने पश्चिमी देशों के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। रूस यूक्रेन युद्ध पर कीव से बहुत बड़ा खुलासा। जंग में मिराज 532 का इस्तेमाल कर सकता है रशिया। यूक्रेनी सेना के कर्नल रोमन स्मितिन का दावा। रूस के मिशन स्प्रिंग में मिराज 53 से अटैक की आशंका। हाल ही में ईरान ने ड्रोन मिराज 53 का टेस्ट किया। पुतिन को शांत कराने की अभी तक की तमाम कोशिशें नाकाम रही। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक मिराज 532 की एंट्री होने जा रही है। यूक्रेन को हटाने के लिए रशिया अगले कुछ दिनों में एसुसाइड ड्रोन से यूक्रेन पर बारूदी बौछार करने की ठान चुका है। यूक्रेनी सेना के कर्नल रोमन स्वितन के इस दावे ने सनसनी मचा दी है। यूक्रेनी कर्नल का दावा है कि ईरान रशिया को सुसाइड ड्रोन मिराज 532 देने जा रहा है। यूक्रेनी कर्नल के मुताबिक कुछ दिनों में रूस बड़े हमले करेगा। रूस की तरफ से यूक्रेन पर मिराज 532 से हमला हो सकता है। हाल ही में ईरान ने सुसाइड ड्रोन मिराज 532 का सफल टेस्ट किया। शाहिद 136 से ज्यादा विध्वंसक माना जाता है मिराज 532। दावा इस बात का हो रहा है कि ईरान रूस को दे सकता है आत्मघाती ड्रोन। हालांकि अभी ईरान की तरफ से रूस को ड्रोन देने की पुष्टि नहीं हुई है। 50 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिराज 532 ड्रोन कामकाजी ड्रोन से सस्ता है और ये 450 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचा सकता है।
और देखिए इस वक्त की अहम खबर आ रही है, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी कामेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कोर्ट में एक महिला पर सरेआम फायरिंग की थी और इस महिला को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज साकेत कोर्ट कैंपस की ये घटना है और अब जानकारी मिल रही है कि गोली चलाने वाला ये आरोपी कामेश्वर सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, कहां से इसे गिरफ्तार किया गया और क्या पता चल पाया है कि ये पूरा मामला आखिर था क्या? जी बिल्कुल, देखिए वारदात के तकरीबन 7 घंटे बाद ही समय इसकी गिरफ्तारी कर दी गई है फरीदाबाद इलाके से। फरीदाबाद में दरअसल ये अपने एक जान पहचान के शख्स यहाँ पर ठहरा हुआ था, वहाँ छिपा हुआ था, जिसके बाद पुलिस इसको ट्रैक करते वहाँ पहुंची है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अरेस्टिंग किया, फिलहाल आरोपी से अभी पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो वजह बताई गई है इस फायरिंग के पीछे वो यही है कि दरअसल 25 लाख रुपए का जो विक्टिम है, जो जो घायल महिला है, उसके साथ आरोपी कामेश्वर का लेन देन का कुछ विवाद चल रहा था और उसी को लेकर गुस्से में आकर इसने महिला के ऊपर कोर्ट परिसर के अंदर फायरिंग किया है। जी, इसके अलावा क्या समीक्षा इस बात की भी जितेंद्र की जा रही है कि कोर्ट कैंपस को कैसे और ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए, क्योंकि ये कोई पहली वारदात नहीं है जब दिल्ली की किसी अदालत में इस तरह का शूटआउट हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आज खुद दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी, चाहे वो ज्वाइंट कमिश्नर हो या फिर DCP हो, सभी लोग मौके पर पहुंचे। जितने भी गेट हैं साकेत कोर्ट के, सभी गेट का जायजा लिया, सिक्योरिटी की समीक्षा की गई और अब दिल्ली पुलिस से एश्योर किया गया वकीलों को कि आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हालांकि जो सिक्योरिटी लैपसेस थे उसको लेकर DCP कुछ भी बोलने से बचते रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि इस पूरे इस मामले के अंदर सिक्योरिटी लैप्स था। सवाल यही था कि आखिरकार जो पिस्टल थी वो कोर्ट परिसर के अंदर पहुंची कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी के लिए। आरोपी कामेश्वर सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कर लिया है गिरफ्तार। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद माफिया अतीक और उसके गुर्गों से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक ऐसे ही वायरल वीडियो में शाइस्ता बिना बुरके के नजर आ रही है। 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। फरार शाइस्ता परवीन का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो बिना बुरके के नजर आ रही है। वीडियो किसी शादी समारोह का लग रहा है जिसमें चहल पहल के बीच शाइस्ता परवीन पीले रंग का ड्रेस पहने बैठी हुई है। ये पहला वीडियो है जिसमें शाइस्ता का चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक और तस्वीर में शाइस्ता दो दुल्हनों के पास माला पहने हुए बैठी हुई है। ये वीडियो उमेश पाल मर्डर केस से पहले एक शादी समारोह का बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हत्याकांड में मारे गए माफिया अतीक का भी एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अतीक अपने ऊपर लगाए गए मुकदमों की बात कर रहा है। अगर मुकदमे की जहाँ तक बात है तो बेगुनाह मुकदमे अगर आप लगाते रहोगे तो हमने जो कह दिया था, हमसे एक साहब ने पूछा कि इतने मुकदमे हो, मैंने कहा 20 मुकदमे और हो जाए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जा कर लूंगा, 50 मुकदमे और हो जाए प्रधानमंत्री की कुर्सी कब्जा कर लूंगा। जब आप इस तरीके से घेरते रहोगे, जास्ती करते रहोगे, मुकदमों की लिस्ट लंबी करते रहेंगे तो ये तो लोग देख रहे हैं। जाहिर है अतीक को अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमों का कोई मलाल नहीं था, बल्कि वो मुकदमों को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। अतीक गैंग ने साल 2006 में उमेश पाल को किडनैप कर जिस कमरे में रखा था, जहां उसे टॉर्चर किया गया, उस कमरे तक TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। ये वो घर है अतीक अहमद का, जहां पर उमेश पाल को अपहरण करने के बाद रखा गया था और यहां से ले जाते हुए जब अतीक के गुर्गे थे उमेश पाल को लेकर के आए, तो वो ये कमरा है जहां पर उमेश पाल को अपहरण करने के बाद रखा गया था। दरअसल ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इस कमरे में उमेश पाल को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया, क्योंकि उमेश पाल गवाही दे रहा था और अतीक की धमकियों से वो डरा नहीं था और इसकी वजह से जब उसको काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया तो अतीक अहमद ने उमेश पाल से हलफनामे पे दस्तखत करवाए कि हत्या के वक्त राजू पाल की उमेश पाल मौके पर नहीं था। इसके बाद उमेश पाल को छोड़ दिया गया, लेकिन अतीक अहमद का समय बदलने के वो इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सरकार बदली, बसपा की सरकार आई, तो उमेश पाल ने अशरफ और अतीक अहमद के साथ ही 10 और गुर्गों के खिलाफ 2007 में मुकदमा दर्ज कराया और इन लोगों को आरोपी बनाया। अतीक की हत्या के बाद अतीक गैंग का पहला कारनामा लखनऊ के देवेंद्र तिवारी को गुड्डू मुस्लिम के नाम से मिली है धमकी। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है देवेंद्र तिवारी। रात में उनकी गाड़ी पर लगाया गया जान से मारने की धमकी का लेटर, 20 लाख रुपए लेकर इलाहाबाद पहुंचने की धमकी दी है।
प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक कगुर्गा गुड्डू मुस्लिम रडार पर है। यूपी पुलिस 5 लाख के इनामी बदमाश गुड्डू मुस्लिम को तलाश रही है, लेकिन इस बीच लखनऊ के एक शख्स को गुड्डू मुस्लिम की धमकी भरी चिट्ठी मिलने से हड़कंप मच गया। आलमबाग इलाके के रहने वाले देवेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पर किसी ने धमकी भरी चिट्ठी लगा दी, जिसमें लिखा है कि 20 लाख रुपए लेकर प्रयागराज आना है। ये कब की घटना है? ये कल रात की घटना है। अच्छा, कहाँ पे हुई घटना? ये घटना मुझे तो पता चला, मैं एक चाय की दुकान पे आशियाना में रुका था, वहाँ पे मैंने देखा तो पीछे लगा हुआ था। मतलब एक मिनट जरा देखना, यही आपकी गाड़ी है? हाँ हाँ, इसी में ये यहाँ पे लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे चिपका हुआ? नहीं, लिफाफे में था। अच्छा, ये लिफाफे के अंदर था? लिफाफे के अंदर था। अच्छा, ये चिपका हुआ नहीं था? लिफाफे के अंदर, और इससे दबा हुआ था। अच्छा, तो जब आपने इसको ओपन किया तो आपने देखा कि इसमें ये चिट्ठी है? हाँ, तो फिर तत्काल मैंने 112 पे कॉल किया। पीड़ित ने अब यूपी पुलिस से सुरक्षा देने और कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में बाल सुधार गृह में हैं। प्रयागराज के बाल सुधार गृह से संवाददाता पंकज झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे उमेश पाल की हत्या के बाद से इसी बाल गृह में है और यहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा भी है। ये प्रयागराज में राजरूपपुर का एक बाल सुधार गृह है, बाल संरक्षण गृह कहते हैं, उसी पर उस दोनों को यहाँ लाकर रखा गया है। और शुरुआती जो जानकारी मिली थी कि उमेश पाल के मर्डर के बाद जो अतीक अहमद की ये दोनों नाबालिग बेटे हैं, इनसे भी पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। दोनों की कस्टडी के लिए जो जैनब है, जो अशरफ अतीक का छोटा भाई, उसकी पत्नी ने कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी लगा रखी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैनब भी फरार चल रही है और ये दोनों लड़के जो हैं इसी बाल सुधार गृह में हैं। पुलिस के जवान हैं, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये दोनों जो अतीक के बेटे हैं, इनका क्या होगा? कैमरामैन निशांत के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष। और अतीक हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक नया वीडियो सामने आया है। शूटर साबिर के साथ जाती दिख रही है शाइस्ता। 19 फरवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। माफिया अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। शाइस्ता करीब 54 दिनों से पुलिस की आंख में धूल झोंक रही है। इस बीच शाइस्ता परवीन का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शाइस्ता कई लोगों के साथ पैदल जाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में शाइस्ता के साथ शूटर साबिर भी मौजूद है। साबिर वही शूटर है जिसने उमेश पाल हत्याकांड में गोलियां बरसाई थी। साबिर ही वो शूटर है जिसने कार में बैठे उमेश पाल के गनर को गोली मारी थी। वायरल वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले यानी कि 19 फरवरी का बताया जा रहा है। शाइस्ता का ये वीडियो प्रयागराज के धूमनगंज इलाके का बताया जा रहा है। दावा है कि तब शाइस्ता अपने गुर्गों के साथ उमेश पाल की हत्या की साजिश को रच रही थी और उसी सिलसिले में अतीक गैंग के किसी भरोसेमंद के यहाँ पर गई थी। वीडियो में शाइस्ता के साथ कई और महिलाएं और दूसरे लोग भी हैं। अब पुलिस 50,000 की इनामी शाइस्ता, बमबाज गुड्डू मुस्लिम शूटर अरमान और 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर की तलाश में जुटी है। साथ ही वीडियो में दिख रहे दूसरे लोगों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दावा है कि माफिया अतीक अहमद हनक दिखाने के लिए लैंड क्रूजर SUV से चलता था। आरोप है कि उसी लैंड क्रूजर से कई बेगुनाहों को कुचलकर मार डाला गया। अतीक के गुनाह लोक से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विपिन चौबे। अतीक अहमद की बेहद पसंदीदा कार, जो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है, उस कार की सबसे पहली तस्वीर अब आप TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर देखने जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, ये लैंड क्रूजर कार जो कि 2017 के बाद से, जब अतीक अहमद जेल गया उसके बाद से, 2019 के बाद से ये कार का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन 2019 के पहले इस कार का इस्तेमाल हुआ। और ये पूरा प्रमाइसिस अतीक अहमद का है। अतीक अहमद इसी गाड़ी से चला करता था। अतीक अहमद के काफिले में ये गाड़ी कई बार देखी गई और यहां तक कि कई जो विक्टिम्स हैं जो अतीक अहमद से पीड़ित रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया गया कि इसी गाड़ी से कई लोगों को कुचलने तक से अतीक अहमद बाज नहीं आया है। अपहरण करके पीछे के दरवाजे से इसी गाड़ी से लोगों को लाया जाता था और इस गेट के जरिए, जिस गेट पर मैं खड़ा हूं, जहां पर फिलहाल आपको ताला लटका हुआ नजर आएगा, ये ताला आप देख सकते हैं, इसी गेट से ये गाड़ी दाखिल होती थी और अंदर जाकर पार्क हो जाती थी और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। अब जब ये पूरा प्रमाइसिस पूरी तरह से सरकार ने जब्त कर लिया है तो गाड़ी भी अंदर मौजूद है, सरकार ने इस गाड़ी को भी फिलहाल सीज कर दिया है। निधि,
और बड़ी खबर इस वक्त की, प्रयागराज से अतीक अशरफ की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां सर्विलांस पर लिए गए 3000 मोबाइल फोन अचानक बंद हो गए और हत्या के बाद पुलिस ने सर्विलांस पर लिए थे ये मोबाइल फोन्स। मोबाइल नंबर ऑफ होने से जांच अब प्रभावित हो रही है। माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद इस मामले में यूपी पुलिस की एसआईटी लगातार जांच कर रही है। अतीक हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच हो रही है। सारे संदिग्ध एलिमेंट्स पुलिस की सर्विलांस पर है। मौका वारदात पर हत्याकांड के रिक्रिएशन भी किया जा चुका है, लेकिन इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। कहा जा रहा है कि प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या के बाद सर्विलांस पर लिए गए 3000 मोबाइल फोन अचानक से बंद हो गए। बीते 5 दिनों में सर्विलांस पर लिए गए मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। एक साथ इतने सारे मोबाइल नंबर ऑफ हो जाने से हत्याकांड की जांच प्रभावित हो रही है। दरअसल अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस और एसआईटी ने 3000 संदिग्ध मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लिए थे, लेकिन अब एक एक करके सारे नंबर बंद हो चुके हैं। आशंका है कि या तो अतीक से जुड़े लोगों ने फोन को स्विच ऑफ कर लिया या फिर सिम को नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि माफिया अतीक लंबे वक्त तक जेल से ही अपना वसूली रैकेट चलाता था। फोन पर ही लोगों को धमकाता था और फोन के जरिए ही अपने गुर्गों को निर्देश देता था। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बेटे असद और शूटर साबिर के साथ दिखाई दे रही है। कब का है ये वीडियो, 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके गुनाहों से जुड़े कई वीडियो अब सामने आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में अतीक के घर वालों और उसके गुर्गों की कारस्तानी सामने आ रही है। वायरल हो रहा ताज़ा वीडियो सितंबर 2020 का बताया जा रहा है, जब प्रयागराज के चकिया में अतीक अहमद का घर तोड़ा जा रहा था। वीडियो में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, उसका बेटा असद और शूटर साबिर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ गुर्गों की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। शाइस्ता बेटे के साथ घर तोड़े जाने पर गुमसुम खड़ी हुई है, जबकि पीछे खड़े गुर्गे बेवजह की नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में एक जगह अतीक के बेटे अली की आवाज़ सुनाई देती है। अली शूटर साबिर से सामान उठाने के लिए कहता नजर आ रहा है। कमरे से सारी अलमारी हटी साबिर, अब आले कमरे से। 2020 में यूपी की पुलिस की उस कार्रवाई में अवैध रूप से बनाया गया अतीक का पूरा घर तोड़ दिया गया था। घंटों तक चली कार्रवाई से पहले अतीक के गुर्गे घर से कीमती सामान निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और चुपचाप खड़ी शाइस्ता बेटे के साथ अपने गुनाहों का हिसाब होता देख रही है। अतीक के टॉर्चर चैम्बर तक पहुंचा TV9 भारतवर्ष। अतीक के टॉर्चर रूम के अंदर की तस्वीरें, प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में है अतीक का टॉर्चर हाउस। यहीं पर वो टॉर्चर रूम बनाया गया था, जिसके मद्देनजर लोग जिनसे उसको पैसे की वसूली करनी थी उनको लाया जाता था। यहीं पर थर्ड डिग्री का टॉर्चर किया जाता था और इसी मकान में बैठ के उसकी पूरी सल्तनत चलती थी। फिलहाल उस गिरी हुई सल्तनत की तस्वीरें आप देखिए, यहां से लेकर उस सड़क तक लगभग 2 एकड़ का यह पूरा प्रमाइसिस है और इस 2 एकड़ के प्रमाइसिस में अलग अलग ऐसे इलाके हैं जिसको अलग अलग नाम दिया गया था। कहा किसको रखना है, किसको अपहरण करके लाना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, उन तमाम चीजों का ब्यौरा अभी भी इस पूरी बिल्डिंग या इस पूरे खंडहर बन चुके मकान में नजर आएगा। फर्स्ट डिग्री का जो टॉर्चर है वो इसी कमरे में दिया जाता था और इस कमरे में फिलहाल आपको ताला बंद नजर आएगा। इसके अंदर झांकने पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, यहां तक कि इसके अंदर क्या कुछ है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के परिजनों ने यहां पर फर्स्ट डिग्री का टॉर्चर सहा है, वो ये दावा करते हैं कि जानवरों के साथ बांधा जाता था, बदबू में रखा जाता था, काले कमरे में रखा जाता था और तौर पानी भी पीने को नहीं दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के कार्यक्रम के समापन सत्र और पुरस्कार समारोह में शिरकत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पंच प्रण का संकल्प भारत को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका वो हकदार है। साथियों, बीते वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से देश के सामने पंच प्राणों का आह्वान किया है। विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य हो, गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो, देश की एकता एकजुटता को निरंतर सशक्त करना हो और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना हो,
इन पांच प्राणों की प्रेरणा से जो ऊर्जा निकलेगी वो हमारे देश को वो ऊंचाई देगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नोएडा में सांसद खेल स्पर्धा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां पहले दंगे होते थे आज वहां दंगल हो रहा है। मौका था नोएडा में सांसद खेल स्पर्धा 2023 की शुरुआत का। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद महेश शर्मा भी बैडमिंटन खेलते नजर आए। नोएडा में 21 से 24 अप्रैल तक 4 दिवसीय खेल स्पर्धा का आयोजन हो रहा है जिसमें हिस्सा लेने के लिए 2200 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले दंगा हुआ करते थे आज वहां दंगल हो रहा है। यहां पर जब क्राइम होता था अपराध होता था तो लोग आने से डरते थे, आज ईमानदार सरकार आई है, दमदार सरकार आई है तो माफियों से मुक्ति मिली है तो निवेश अपने आप आना शुरू हो गया है। कभी यहाँ पर दंगे होते थे अब दंगल होता है मेरे भाई और बहनों। उत्तर प्रदेश में मई महीने से खेलो इंडिया का आयोजन होने जा रहा है। हमारा विश्व का सबसे युवतम देश है हमारा भारत, अगर उसका युवा अपने आप को खेलों में केंद्रित करेगा तो किसी तरह के नशों से किसी तरह की और चीजों से वो बचेगा